गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। और आज का हमारा जो भाई न्यूमेरिकल का टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। सो वी विल लर्न हियर अबाउट द बेसिक आइडिया फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट हम कर चुके हैं, तो उसके न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे सीखेंगे कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टू पर्सन ए एंड बी आर वॉकिंग विद स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन सेम डायरेक्शन, बट फाइंड हाउ फार बी फ्रॉम ए आफ्टर 3 आवर्स। क्या कह रहा है भाई? वी ए आपको गिवन है, कितनी गिवन है? भाई 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वी बी वेलोसिटी ऑफ बी कितनी गिवन है? 5 किलोमीटर पर आवर। So, relative velocity कितनी बनेगी बताओ? बताओ, relative velocity same direction में क्या होती है? Minus होती है, तो 5 minus 4 मतलब VP minus of VA is equal to 5 minus 4 means 1 kilometer per hour, मतलब B की जो relative speed है वो A के respect में कितनी है? 1 kilometer per hour। इसका मतलब B जो है 1 hour के अंदर 1 kilometer ज्यादा distance travel करेगा। So, इन 3 आवर्स हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड? मोर कितना बन जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टू टाइम। 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी एक्स्ट्रा, मल्टीप्लाई टू टाइम कितना? 3 आवर्स। तो हमारे पास क्या बन जाएगी? 3 किलोमीटर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। क्लियर है? तो 3 किलोमीटर का जो है गैप आ जाएगा हमारे बीच में। इसके बाद भाई सेकेंड क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन देंगे। सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे से क्या कर रहा है भाई? दो ट्रेन है, एक ट्रेन मान ली भाई, एक सेकेंड, दो ट्रेन है, एक ट्रेन हमारे पास में कितनी है भाई? 120 मीटर की है। ठीक है, और दूसरी ट्रेन हमारे पास में क्या है भाई? 80 मीटर की है। ये हमारे पास एक ट्रेन होगी मान लिया। ठीक है, दूसरी ट्रेन हमारे पास में ये होगी भाई। क्लियर है? एक बात बताओ, क्रॉस करने का मतलब क्या समझते हो? क्रॉस करने का मतलब है जब ये ट्रेन इससे आगे निकल जाए कंप्लीट, ना कि सिर्फ जो फ्रंट पार्ट है। तो ये आगे जब निकल जाएगी तो क्या होगा? यहां पहुंचेगी। ठीक है, और जब यहां पहुंचेगी तो इसका मतलब क्या है भाई? ये होगी इसकी डॉटेड पोजीशन, मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, तो यहां पहुंचेगी ट्रेन, तो इसका मतलब टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी 120 मीटर हमारे पास में ये थी। ठीक है, और हमारे पास में 80 मीटर हमारे पास में ये थी, तो हमारे पास 180 20 प्लस का 80 ये हमारे पास कितना होगा? 200 मीटर। इसका मतलब क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, टोटल डिस्टेंस भी ट्रेवल करनी पड़ेगी 200 120 प्लस 80। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करनी पड़ेगी और टाइम कितना है? टाइम भी निकालना है, और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्रॉस करने का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, ओवरटेक करने का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। तो यहां प्लस करेंगे तो 42 प्लस 30 मीन 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 18 4 बन जाएगा, 4 5 क्या होगा हमारे पास में? 20 हमारे पास बन जाएगी मीटर पर सेकंड स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड मिल गई आपको 20 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस हमारे पास में कितनी है? 200 मीटर। तो इसका मतलब हमारे पास में भाई, हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ भाई? टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में क्या कर देंगे भाई? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 200, हमारे पास में स्पीड कितनी थी? 20। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? 10 सेकेंड जो है एक ट्रेन लेगी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए। क्लियर है? पक्का? थैंक यू।